किंच बौद्ध कहता है अंतर्भावित सत्वं चेत कारणं तद असत्ततः, नान्तर्भावित सत्वं चेत कारणं तद असत्ततः। वो कहते आप कहते हो हम सत्कार्यवादी हैं, कैसे? सत्वादी का मतलब सत्ता विशिष्ट बीज आदि को आप अंकुरादि के प्रति कारण मानते हो, या सत्ता से उपलक्षित बीज आदि को आप कारण मानते हो? सब पहले में दोष दे रहा है विशिष्ट में, बाद में दो तीन पन्ने बाद आएगा उपलक्षण का पक्ष। यहाँ भी प्रथम पक्ष पूछना चाहता है, विकल्प होता है, बस सत्ता विशिष्ट में सत्ता रहती है या नहीं, सत्ता विशिष्ट में सत्ता रहती है या नहीं। अंतर्भावित सत्वं चेत यदि रहती है कहते हो, और ना अंतर्भावित सत्वं चेत नहीं रहती है कहते हो, दोनों ही पक्ष। यदि नहीं है तो कारण असत्य रह जाएगा, ये सत्ता विशिष्ट है नहीं। सत्ता विशिष्ट जो कारण में सत्ता यदि नहीं है उन्हें वो असत्य हो गया। भले आप सत्ता विशिष्ट कह रहे हैं लेकिन उसे सत्ता नहीं है तो उसको असत कहना पड़ेगा, एक बात, तो फिर असत रूप हो जाएगा वो। और यदि कहते हो कि सत्ता विशिष्ट में सत्ता रहती है, सत्ता विशिष्ट में सत्ता रहती है, यदि ऐसा कहते हैं तो विशिष्ट में रहने वाली जो धर्म है वो विशेषण में भी रहता है मानना पड़ेगा आपको। ये विशिष्ट में रहने वाला धर्म है वो विशेषण में भी रहेगा, ये सामान्य नियम है। इसे नियम यह होता है जो विशिष्ट में रहने वाले जो सामान्य धर्म होते हैं वो विशेषण में भी रहना चाहिए। तो सत्ता विशिष्ट में आप यदि सत्ता मानते हो तो विशेषण तो सत्ता में भी आपने सत्ता मान लिया। यदि सत्ता में सत्ता मानोगे तो अनवस्थ दोष हो जाएगी, आते उसको असत्य कहना पड़ेगा। बहुत युक्ति से निकाला, यदि रहती है तो इसमें रहने वाली धर्म विशेषण में रहता है, इस नियम से वो तो सबसे पहले तो आत्माश्रय दोष आएगा। स्व में स्व का रहना, सत्ता में सत्ता का रहना आत्माश्रय दोष पहला दोष है। अंतर्भाव तो सत्वं चेत, और यदि विशिष्ट विशेषण विशिष्ट संबंध से आप अतिरिक्त मानेंगे तो अंतर्भावभूत सत्वम यदि कारणत्वम तदा स्वविशिष्ट स्ववृत्तिर अंशत स्वाश्रित्वम आपादयति। समझा रहा है तथा ही से, यदि अंतर्भूत सत्व है, यदि कारणत्वम तदा अंतर्भूत सत्व वाला कारणत्व मैंने सत्व विशिष्ट कारण है और उस कारण में जो विशेषणान सत्व है इसलिए सत्व मान लेते हैं तो स्वविशिष्ट में स्ववृत्ति स्वीकार करना अंशत स्वाश्रय दोष हो गया, आत्माश्रय दोष हो गया, स्वाश्रय में आत्माश्रय दोष हो जाता है आपादयति। और विशिष्ट से अर्थांतरत्व अपनी नान्तर्भूत सत्वम, वो उसको नहीं बोला है व्याख्या में तथाई में, यदि अंत सत्व का अंतर्भूत नहीं करोगे तत् असत्यता कारण, फिर तो कारण असत्य हो ही गया, यानी दोनों तरीके से असत्य बन रहा है। अंतर्भूत करोगे तो भी तत् असत, क्यों असत हो रहा है, क्योंकि आत्मश्रय दोष के कारण से। अंतर्भूत नहीं करोगे तो असत है ही, जब सत्ता ही नहीं रह गया विशिष्ट में वो तो असत कहा जाएगा। और विशिष्ट से अलग करके रह रहे बारो आत्मश्रय दोष दूर करने के लिए, विशिष्ट में रहने के लिए सत्ता वो अलग है। विशिष्ट से अर्थांतरत्व पिच स्वस्मिन स्ववृत्ति व्यतिरेकवत् स्वविशिष्टे स्ववृत्ति व्यतिरेक नियम दर्शनात्। यदि विशिष्ट को विशेषण विशेषण भाव संबंध से अतिरिक्त माने, अलग मान लो, तब भी जैसे स्व में स्ववृत्तित्व विरुद्ध है, स्व में स्ववृत्तित्व विरुद्ध है, वैसे ही स्वविशिष्ट में स्ववृत्तित्व विरुद्ध है। स्वविशिष्ट में भी स्व नहीं रह सकता, जैसे स्व में स्व नहीं रह सकता, खुद में खुद नहीं होता, दूसरे में होता है। खुद में खुद भी मानते ताजात्व संबंध मान लेते हैं लोग, पर्वत पर्वत में ताज संबंध से है, कोई भी वस्तु अपने में ताज संबंध मानते हैं, इन ताजात्व कोई वृत्ति नियामक संबंध नहीं है। कोई वृत्ति नियामक संबंध ना होने से संयोग और समवाय दो ही को लोग मानते वृत्ति नियामक संबंध, भाग्य स्वरूप आत्मा की माना जाएगा, स्वरूप संबंध तत्त स्वरूप ताजात्म इसी कोटि में जाता है। अतः उनका मानना है कि जब वृत्ति नामक संबंध से आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं
तो आपको मानना पड़ेगा स्व विशिष्ट में स्व नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे स्व में स्व नहीं रहता है, स्व विशिष्ट में भी स्व की वृत्ति नहीं मानी गई। स्वस्मिन स्ववृत्ति व्यतिरेकवत्, स्व में स्ववृत्ति का व्यतिरेक के समान स्वविशिष्टे स्ववृत्ति व्यतिरेक नियम दर्शनात्, स्वविशिष्ट में भी स्व की वृत्ति का व्यतिरेक देखा गया। जैसे सत्ता में सत्ता नहीं होती है तो सत्ता विशिष्ट में भी सत्ता नहीं रहेगी। यदि है कुमार विशेषणांश में है मानना पड़ेगा ना, ये सत्ता विशिष्ट में सत्ता मानोगे तो विशेषणांश में मानना पड़ेगा, उस अंश में फिर आत्मा सर्वदोष हो जाएगा। इसे स्व विशिष्ट स्व नहीं है यही मानना पड़ेगा। जैसे स्व में स्व नहीं होता, स्वविशिष्ट में स्व नहीं होता, तो सत्ता विशिष्ट कारण में इसे सत्ता नहीं है कहना पड़ेगा, फिर तो असत हो गया। वो भी दस पास रज फंसा गया इसने, मानो तो असत, ना मानो तो भी असत है। तब वो कहता है ना सैव सत्ता तस्मृति, ऐसा है उसी सत्ता को उसी में नहीं कह रहा, विशिष्ट में जो विशेषण भूता सत्ता है और विशिष्ट में रहने वाली जो मैं सत्ता कह रहा हूँ वो दूसरी है, वो नहीं है। अरे स्वामी स्वृत्ति दोष खत्म हो जाएगा। तो वो जो रहने वाली जो सत्ता, विशिष्ट में रहने वाली सत्ता अलग है और विशिष्ट का विशेषण भूता सत्ता अलग है, दो भिन्न सत्ताएँ हैं, तापतिकार है, आत्मा सर्वदोष खत्म हो जाएगा। अन्य विशिष्ट वृत्ति अन्य है, अन्य ही है सत्ता जो विशिष्ट में रहने वाली, ऐसे यदि अभ्युगमे, यह बहुत खंडन करेगा नहीं आएगा। बहुत ने इतना कहा, दोष दिया आपके सत्कारण वाली से नहीं बन सकता, कारण सत हो ही नहीं सकता, कारण तो असत ही रहेगा हमेशा। के कारण में सत्ता मान रहे हो तो क्या सत विशिष्ट मान रहे हो या सत उपलक्षित हो? सत विशिष्ट में प्रश्न उठा, सत विशिष्ट में सत रहता कि नहीं रहता बता, यदि रहता है कहोगे तो विशेषणांश में भी रहेगा तो आत्मा सर्वदोषांश में आ ही गया, यदि नहीं रहता है कहते तो असत हो ही गया वो, आते हुए कारण तो असत ही बनता है, असत नहीं हो सकता। तब वो कहता है कि आत्मा सर्वदोष दूर करने स्वयं स्वृत्ति के व्यतिरिक्त जो लेकर के दोष दिया, ये दूर करने के लिए कहा कि भाई वो सत्ता अलग है, विशिष्ट में रहने वाली सत्ता अलग है और विशिष्ट का विशेषण भूता सत्ता अलग है। अन्यस्या एव विशिष्ट वृत्ति इति अभ्युगमे, ऐसे स्वीकार करते हो तो ताम अनिवेश्य कारणत्व अभ्युगंतु सर्वतैव असत कारणम परिवश्यति। वाव्यम पूछूंगा उससे भी, भाई बताओ वो उसमें रहती है कि नहीं रहती है, उसे निविष्ट है या नहीं। ताम अनिवेश्य, वह सत्ता उस विशिष्ट में निविष्ट है या नहीं है? अलग कह दिया आपने, अलग है वो सत्ता, वो अलग जो सत्ता है वो इस विशिष्ट में निविष्ट है या नहीं, कहने कहने संबंध दे रहा, किसी भी समय से रहता ही नहीं है तो है ये कहना ही गलत है। वृत्ति कैसे सिद्ध करो, वृत्ति का नियामक संबंध बताओ। यदि वो अलग सत्ता है और वो सत्ता विशिष्ट में रह रही है कह रहे हो, वो किस समय से रहेगी? यदि है तो निविष्ट है, समय बताना पड़ेगा। निविष्ट नहीं है, न रहना ही हुआ, रहना ही नहीं हुआ, रहना क्या हुआ फिर यदि वो निविष्ट नहीं है तो? तो सम्म किस संबंध से रहती ही नहीं है कहना हुआ यदि निविष्ट नहीं है तो? ये नहीं है तो फिर असत हो ही गया। ये विकल्प उठा करके कह रहा है वो निविष्ट है या नहीं बताओ, कारण कोट में निवेश है या नहीं, यदि नहीं है तो असत्य कारण रहा। तम अनिविश्य का अनिवेश्य कारणत्वम अभिगंतु, इसको निविष्ट के बिना कारणत्व को स्वीकार करोगे सर्वतैव असत कारण प्रति, सब प्रकार से विचार करके देखो वहाँ असत कारण बन जाएगा कि उसे निविष्ट ही नहीं है, वो किसी भी संबंध से उसे प्रविष्ट ही नहीं है, तो उसको लेकर के सत कैसे बनेगा? उसको लेकर सत नहीं बन सकता। और निविष्ठ कहते हो अपर अपर सत्ता अनिवेशन च अपरिवसानम एव अनवस्था उसको रहेगा ही। कारण कोटि में यदि निविष्ट है तो कारण के सत्य होने में उपयोगी वो नहीं बनेगा, कि जले जैसे पहले विशेषण भूत एक सत्य था, उस सत्य ने से विशिष्ट कारण को सत्य नहीं बना सका, विशेषण पर निविष्ट है ना वो, विशिष्ट रूपा कारण में सत्ता विशिष्ट कारण जब कहोगे कारण में विशेषणत्या सत्ता निविष्ट है, वो निविष्ट सत्ता ने विशेषण रूप निविष्ट सत्ता ने उस कारण को सत्य नहीं बना सका, तो आपको इसलिए दूसरी सत्य लाना पड़ रहा है, वो भी उसमें यदि निविष्ट है
वो कैसे उसको सत कर देगा? जब पहली सत्ता सत नहीं कर सकी तो दूसरी सत्ता के तीसरी क्या चौथी क्या जितनी भी मान लो उसमें यदि निविष्ट है उनको सत नहीं कर पाएंगे, असत हो जाएगा। अनिविष्ट तो असत है ही, यहाँ भी दोनों प्रकार से फंस रहे हैं। निविष्ट मानोगे द्वितीय सत्ता को तो एक तो अनवस्था है ही, और जब पहली सत्ता उसको सत नहीं कर सकी जो निविष्ट रहा विशेषण रूपेण, और दूसरा जो घुस रहा है उसमें वो उसको सत बना देगा, इसमें क्या प्रमाण बनेगा? इसलिए असत्य आपको मानना पड़ेगा, कारण के सत्य होने में उपयोगी नहीं है। ये द्वितीय सत्ता का कारण कोटि में निवेश करें तो विकल्प होता है, वहां पर भी द्वितीय सत्ता से विशिष्ट है या क्या प्रो? तो द्वितीय सत्ता से विशिष्ट प्रथम सत्ता और प्रथम सत्ता से विशिष्ट कारण, ये आपको लेनी पड़ेगी। निवेश कहाँ करोगे उसको? विशेषण को विशेषण बनाओगे, यही विशेषण उसको कुछ न कर सका, विशेषण विशेषण उसको क्या कर देगा? एक बात, और दूसरी अनवस्था हो जाएगी। यथा आप पहले नहीं करा दूसरी भी नहीं, फिर तीसरी मानो वो भी उसे भिन्न मानना पड़ेगा। अभिन्न मानोगे आत्माश्रय अन्योन्याश्रय सब आ जाएंगे। इसे पर अन्य अन्य करके सत्ता स्वीकार करने लगोगे अपर्यवसानमेव, मैंने अनवस्था दोषी आ जाती है। प्रथम सत्ता या तृतीय सत्ता, ये द्वितीय सत्ता ही रहती है तो आत्माश्रय दोष है। ये द्वितीय सत्ता से फिर तृतीय सत्ता मानोगे, द्वितीय सत्ता के अस्तित्व के लिए प्रथम, प्रथम के लिए द्वितीय अन्योन्याश्रय, प्रथम के लिए द्वितीय, द्वितीय के लिए तृतीय, और तृतीय की स्थिति के लिए फिर प्रथम में आओगे तो चक्र का जाएगा, और चौथे आदि में जाओगे अनवस्था दोष हो जाएगा। न च सत्ता भेद अनंत्यम अस्त्येव इत्यपि पाद प्रसारिका निस्ताराय। तब यदि नैयायिक कहता है हम तो सत्ता के भेद अनंत मानते, अनंत सत्ता है, घट सत्ता पट सत्ता मठ सत्ता सब अलग अलग अनंत से विशिष्ट में रहने वाली सत्ता से भिन्न जो सत्ता उससे भिन्न एक सत्ता माननी पड़े, उससे भी भिन्न एक सत्ता माननी पड़ेगी तो कोई आप अनंत सत्ता मानने को हम तैयार है? ऐसे तुम फैला लो और पैर मस्त बैठने की कोशिश करो, ये नहीं हो सकता। इत्यपि पाद प्रसारिका न निस्ताराय, सत्ता भेद के अनंत मस्त्येव ऐसा कहकर बीजांकुरवत, अविरल धारा चल रही है अनंत, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, फिर अंकुर से बीज, फिर चल रहा है लगातार, अनंत बीज हो गए, अनंत अंकुर हो गए, आगे अनंत बीज होते रहेंगे, अनंत अंकुर होते रहेंगे, तो अनंत सत्ता बना रही बीज अंकुर, क्या आपत्ति आप? ऐसे पैर फाला कर मस्त होने से काम चलने वाला नहीं है, न निस्तार है भगवत। क्यों क्यों निस्तार नहीं हो सकता? क्योंकि बोलता है वो सत्ता भेद ही सद्बुद्धि व्यवहार अनुगम समर्थन लंघिना प्रथमा पी सत्ता न सदिति वृद्धि इच्छतो मूलम पिते नष्टमिति हा कष्टतरम। कहता है कि देखो क्या आप ऐसे मस्त फैला करके बैठने वाले बन नहीं सकते, क्योंकि यदि आपने अनंत सत्ताएं मान ली, सत्ता में सत्ता, सत्ता में सत्ता अनंत भी मान लें, तो मैं आपसे पूछूंगी जो सत इत्याकारक अनुगत प्रतीति कैसे होगी? क्यों पहली सत्ता कारण में सत्व नहीं ला सका, दूसरा भी नहीं लाएगा, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं ला, कोई भी नहीं ला पाएगा, तो सत्कर व्यवहार कैसे करोगे? सत्वेन अनुगत प्रतीति है ना, घटा सन्न बड़ा सन्न बड़ा सन्न, सत्व सत्व अनुगत प्रतीति हो रही है, ये प्रतीति तुम्हारे मत में होगा ही नहीं। घटा सन्न क्यों हो रहा है? सत्ता विशिष्ट घट है, और वहाँ रहो सत्ता विशिष्ट घट से अलग सत्ता आप कह रहे हो, मैंने ये जो घटा सन्न में सत्य बोल रहा हूँ इस सत्य से घट सत्तावान नहीं हो पाया, सत्य विशिष्ट है लेकिन सद्रूप नहीं बन सका, तो ये उसको सद्रूप करके ना बना करके घट को मैंने सत्वेन अनुगत प्रतीति नहीं करा पा रहा है, तो दूसरा तीसरा अनंत भी मानने से कैसे कराएगा वो? जब अनुगत प्रतीति ही नहीं है तो तुम्हारी सत्ता जाती गई, सत्ता जाती उसी को मानते हैं ना, अनेकों में एकत्वेन अनुगत प्रतीति होना चाहिए, यही सामान्य यही जाती है, नित्यम एकम अनेकानुगतम, नित्य होता हुआ एक होते हुए अनेकों में समय समझ रहे उसी का नाम सामान्य कहते हैं आप, वो अनुगत प्रतीति नहीं रहा अनेकों में एक, अलग 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 माने जा रहे हो, अनंत मान लिया आपने, अनेकों में एक कहा रहा, अनेकों में अनंत हो गया, तो लक्षण ही तुम्हारा चौपट हो गया ना। अब वही कह रहे हैं सत्ता भेद ही सद्बुद्धि व्यवहार अनुगम समर्थन लंघिना, सद्बुद्धि व्यवहार के
अनुगमन का समर्थन करने वालों का लंघन हो गया, उल्लंघन हो गया। ऐसे आपके द्वारा प्रथमापि सत्ता न स्यात्, पहली जो सत्ता विशेषण भूता सत्ता जो कह रहे थे उसकी भी स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाएगा। इति वृद्धिम इच्छता मूलमपि, वृद्धि को चाहता हूँ मूल भी खोने के समान महान कष्टकर स्थिति तुम्हारी हो गई है। हमने मूल नाश का वही प्रागलोक ही आपको कहने का प्राग होता है, सामान्य न्याय है, वृद्धि में चत्ता मूलम अपनी नष्टम भवती। आपने किसी को कर्जा दिया 1000 रुपया, ये सोचा हर महीना मेरे को 20-20 रुपया ब्याज देते रहेगा, और ब्याज फिर बाद धीरे धीरे मूल भी ले लेंगे, लेकिन न ब्याज दिया मूल भी नहीं दिया, सब गया स्वाह हो गया। वैसे तेरा हाल है, न प्रथम सत्ता को सत्ता सत्र कर पाओगे, द्वितीय तृतीय अधिकार कर बैठेंगे। आपकी जाति जो एक आपका मुख्य सिद्धांत है न्यायिकों का, जाति नाम के पदार्थ मानते हो, वो पदार्थ ही खत्म हो जाएगा, यह आपत्ति दिया। तब वो कहता है नच स्वरूप सत्ता उपगमाया स्वस्ति, कहते हैं न जाति रूपा, अरे हम जाति रूप सत्य की बात यहाँ नहीं कह रहे हैं। जाति रूप सत्य जो है अनेकों में एक होता है, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अनेकों में अनेक की बात जो हो रही है, अनंत भेद की बात जो मैं कह दिया हूँ, तो फिर वो जाति से तुलना कर रहे हो, शब्द मात्र से सत्य कर लो जाति ले लिया आपने। नहीं, सत्य कह रहा हूँ यहाँ, जो सत्य कह रहा हूँ या सत्ता कहता हूँ, इससे वो जाति को नहीं लेना। न जाति रूपा किंतु प्राभाकार आदियों के द्वारा स्वीकृत के समान स्वरूप सत्तैव, स्वरूप सत्ता उपगमाया, उपगम कर लेने के लिए हम जो स्वीकार करते हैं स्वस्ति, हमारा कल्याण हो जाएगा, कोई दोष नहीं रहेगा, हमारा कोई दोष नहीं, हमारा काम सिद्ध हो गया कि स्वरूप सत्य मानूंगा। घट में सत्ता नहीं, घट स्वरूप सत्य है, स्वरूपत ही वो घट सत्य है, स्वरूपत ही पट सत्य है, इसे घट सन सामान्य प्रयोग हो रहा है। यदि सत्य वाला घट होता घट सन नहीं बोल सकते आप, सत्तावान घट मत प्रयोग होगा, विशेषण विशिष्ट होगा ना। ऐसे घटवत भूतल क्यों बोलते हो, घटो भूतलम क्यों नहीं बोलते आप, घटो भूतलम इसलिए नहीं बोलते हैं कि भूतल घट रूप नहीं है, ना घट भूतल रूप है, लेकिन घट आसन इसलिए बोलता हूँ घट सदरूप ही है, घट से सद अलग नहीं है, तभी घट आसन बोलता हूँ। यदि घट से सद अलग होता और सद उस घट में रहने वाला वस्तु होता, सत्तावान घटा बोल देते हैं। आप घटासन पटासन बोल रहे हैं, इसको सत को घट के साथ अभेद पर व्यवहार कर रहे हैं, मैंने घट को स्वरूपत सत व्यवहार कर रहे हैं। वो सत को मैं कह रहा हूँ यहाँ, वो स्वरूपत सत अलग चीज है और सत्ता जाति अलग चीज है। जो हाँ, जो विशिष्ट में मैं कह रहा हूँ विशेषण भूता सत, वो सत्ता जाति है। सत्ता जाति विशिष्ट कारण में स्वरूप सत है, इसके कारण से वो कारण सत हो गया और सत कारण से कार्य उत्पन्न हो रहा है, जो असत कार्य उसे उत्पन्न हो गया। से दो सत है, एक जाति रूपा एक स्वरूपात्मक। जाति रूपा विशेषण मन के विशिष्ट कर देता है और स्वरूप जो उसे अभिन्न होकर के स्वरूप था उसको सत सिद्ध कर दिया, अजय कारण सतरूप हो गया नहीं हमारे मत में। ये जब कहता है ये भी न स्वस्ति, ये भी तुम्हारे कल्याण नहीं करने वाला है, अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं हमारा कल्याण करेगा, ये हमारा भला क्यों नहीं कर सकता। कते भिन्नान्नपि अनुगत बुद्ध्याधान पदे अभिषिंचता त्वया ही जाति मात्र जलांचिर वितीर्यत। कते देखो वो स्वरूप सत भिन्न है ना, हर एक का स्वरूप सत अलग अलग मानना पड़े, घट का स्वरूप पट का स्वरूप एक नहीं हो सकता। अजय स्वरूप सत ही घट पट का भेद का भेदक हुआ कि नहीं, कि घट स्वरूप सत अलग है पट स्वरूप सत अलग है, अनंत आपने माना स्वरूप सत, ये जो अनंत स्वरूप सत है इन अनंत पदार्थों को परस्पर भेषित कर रहा है, तो जाति की जरूरत नहीं। भाई जाति कर क्या रहा था, भेद सिद्ध कर रहा था, घटत जाति पट से घट को भेषित कर रहा था, पटत जाति पट को घट से भेषित कर रहा था, जाति ही भेदक था तुम्हारे मत में, अब स्वरूप सत्य भेदक बन गया। भाई घट स्वरूप सत्य पट स्वरूप सत्य भिन्न या नहीं, आपने एक अनंत है, अनंत स्वरूप सत्य आपने माना है, मैंने सब एक दूसरे का भेदक बन रहे हैं स्वरूप सत, जब वे ही भेदक बन गए अब जाति बनने क्या जरूरत रह गई। जब आवर्तक जाति
जाति बन माना ही गया केवल इन वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए। अगर आपको पशु से अलग करने की तो आप में मनुष्यत्व मानना पड़ रहा है, तो क्या जरूरत है मनुष्यत्व मानने की? तो पशुत्व जाति और मनुष्य जाति ही क्या कर रहे थे, मनुष्य और पशु को भेदित कर रहे थे। अब आपने कहा मनुष्य स्वरूप सत्य है, पशु भी स्वरूप सत्य है, और दोनों स्वरूप सत्य एक दूसरे से भिन्न है, तो ये स्वरूप सत्य ही एक दूसरे के भेदक जब हो गए तो जाति माने की आप तब भी सिद्धांत हानि हो गई। ये कह रहा है वो भिन्नान्नपि अनुगत बुद्ध्याधान पदे, क्योंकि ये जो है स्वरूप सत्य भिन्न होता हुआ भी आपने कहा अनुगत बुद्धि को प्रदान कर सकते हैं। यदि ऐसे मानते हो अभिषिंचतात्वया, ऐसे स्वरूप सत्य को एक पदार्थ रूपेण अभिषेक कर रहे हो, पट्टाभिषेक करके स्वीकार कर रहे हो उसको, तो जाति मात्र जलांजलि वितीर्यत, जाति मात्र को तुमने तिलांजलि दे दिया, उसकी तो अंत्येष्टि हो गई, श्राद्ध कर्म कर दिया तुमने उसके। तब कहता है नैयायिक माभूत अनुगति स्वरूप सत्वस्य इति वदन, यदि कहते हो भाई वो स्वरूप सत्व अनुगति का बोध नहीं कराएगा, घटा सन पटासन मटासन में इत्यादि जो सत्य है स्वरूप सत्य है वो अनुगत प्रतीति का कारण है, अनुगत प्रतीति का कारण कौन है, जाति। इसे अनुगत प्रतीति के लिए हमें जाति की जरूरत है, ठीक, और वस्तु सद्रूप बनाने के लिए स्वरूप सत्य की भी जरूरत है। स्वरूप सत्य क्या करता है, वस्तु को सत्य बनाता है, असत नहीं रहने देता हो, इतना ही करेगा। स्वरूप सत्य वस्तु को सत्य करता है, और जाति क्या करेगा, अनुगत प्रतीति कराएगा, अयंगट 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 सभी में जो है एक अनुगत प्रतीति कराने में हमें जाति की जरूरत है। इसे दोनों भिन्न भिन्न काम करने के लिए जिसे दोनों हैं, इसे तिलांजलि नहीं दिया हमने जाति को। महाभूत अनुगति स्वरूप सत्वस्य इति वदन, ऐसा कहते हुए है तुम्हारी हालत ये हुई है, अब तद गर्भिणीम कारणताम कथम अनुगमयिता अस्ति, फिर तो वह उस स्वरूप सत्य से गर्भित आपके कारण में सत्व कौन सिद्ध करेगा, सत्व का अनुगत प्रति कौन कराएगा, कारणम सत्य ये कैसे बोध होगा। सत्ता चाहती तो आपने इदम कारण इदम कारण इदम कारण अनुगत प्रतीत के प्रति कारण माना, तो अनुगत प्रतीत के प्रति कारण हो गई चाहती, और स्वरूप सत्य को भी आपने कहा वो अनुगत प्रति कारण भले ही नहीं है इन वह रहता है तो करता क्या है, वो क्या करेगा, कारणता का अनुगम कराएगा, वो के कारण का सद्रूप मात्र बोध कराएगा। कारणता का अनुगम कौन कराए, ये विकल्प उठा के पूछ रहा है। सत्ता का सर्वत्र अनुमान ना हो, स्वरूप सत्ता प्रति व्यक्ति भिन्न ही रहे, तब भी स्वरूप सत्ता के कारण तो से कारण तो सत्य हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कह सकते कि स्वरूप सत्य प्रति व्यक्ति भिन्न भिन्न होने से उसमें घटित कारणत्व भी प्रति व्यक्ति भिन्न भिन्न हो जाएगा। कारण तो भी भिन्न हो गया, और कारण तो कौन अनुगत बोध कराएगा, फिर उसे कारण तत्व एक जाति मानोगे, प्रत्येक कारण का स्वरूप सत्य भिन्न भिन्न हो गया वो अनुगत प्रति नहीं करा सकता। अनेक स्वरूप सत्य से युक्त गर्भित अनेक कारणों में एक कारणत्व प्रतीति कौन कराएगा, नहीं करा सकता, क्योंकि आपने उसका सत्ता मान लिया है कारण का भेद किसी का कार्य साध भेद सिद्ध करने के लिए, सत्ता जाति ही भेदक बनेगा वहां पर। इसे सत्ता विशिष्ट कारण कहा आपने, और कारण का विशेषण को आपने जाति स्वीकार कर लिया, और विशेषण अनुगत प्रति नहीं करा सकता कारण का, इसे कहते हैं तथा सती वदन तद गर्भिणीम कारणताम खत्म अनुगमयिता सी, फिर उससे उसमें घटित कारणत्व प्रतिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो जाने पर फिर कारणत्व का भी अनुगम आप कैसे कर सकोगे। तब कहेगा इसे पहले एक और दोष दे रहे हैं, किंच इतना ही नहीं, हम भी स्वरूप सत्य मानेंगे घट को, हमें भी आपत्ति नहीं है, असत घट स्वरूपत सत्य है, कि घटो अस्थि व्यवहार हो रहा है, घटो उत्पत्ति व्यवहार होता है हमारे बौद्ध मत में भी है, अत्यंत असत घट असत अत्यंत असत घट में भी सत्य व्यवहार हो रहा है ना, और असत स्वरूप सत है, घटो अस्थि व्यवहार में हो रहा है हमारा, तभी असत कारणवादी बनेगा, सत कारणवाद कैसे सिद्ध होगा। स्वरूप सत्य से आप कारण में सत्व नहीं ला सकते, असत कारण में भी स्वरूप सत्य है,
और सत्ता विशिष्ट कारण में भी स्वरूप सत्य है। तुम्हारे मत में क्या, सत्ता विशिष्ट कारण में स्वरूप सत्य है। हमारे मत में क्या, असत रूपा कारण में ही सत स्वरूप है। विदयी किंच स्वरूप सत्यम स्वरूपाद घटाद्यात्मनो नाधिकम, कि स्वरूप सत्व क्या है, स्वरूप भूता घटादियों के स्वरूप से अलग कुछ अधिक नहीं है। असतोपि स्वरूपम स्वरूपमेव, इस असत घट का भी स्वरूप क्या है, सत्य ही रहेगा, कि न्यून अधिक तो होगा नहीं भाई, कुछ अधिकता पैदा करता है क्या? आपने सदरूप मान लिए घट को, तो घट में कुछ अधिक हुआ, कुछ फर्क पड़ता है नहीं। इस असत घट को भी मैं सदरूप कह दूंगा, अधिक तो कुछ होना है नहीं, उस सत्व तो बदलेगा नहीं वो। इसीलिए जैसे आपके मत में सत्ता विशिष्ट कारण को सदरूप कहते हैं, सदरूप कहने पर भी वो कारण को सदरूप नहीं बना पाया, कुछ अधिक अंतर नहीं कर सका, कुछ फर्क नहीं कर सकता, जैसे हमारे असत कारण को भी हम सदरूप कह देंगे, वो हमारे असत कारण में कोई अंतर तो करने वाला है नहीं, कारण तो असत ही रह जाएगा, लेकिन तुम्हारा कारण सत्य नहीं हो पाएगा, कि सदरूप कारण नहीं मान रहे आप, सत्ता विशिष्ट कारण मान रहे हो, ये पूर्व पक्ष कहता है। यदि ये बात नहीं मानोगे, असत घट में सदरूप मानोगे नहीं, असत घट को सदरूप नहीं मानोगे, तो नहीं असन घटादि न घटादि, क्योंकि असत घट का अर्थ यह नहीं घटादि नहीं है, असन घट का अर्थ घटो नास्ति ऐसे व्यवहार नहीं करना। तथा सति यदि ऐसा होता घटादि न इत्यपि न स्यात्, घटादि न ये प्रयोगी नहीं हो पाता, ये घटादि न ये प्रयोग आप नहीं कर पाते, क्यों? असतो घटादित्वात्, जो असत है वो तुम्हारे अनुसार अघटादि रूप हो जाएगा। यदि असत घट का अर्थ न घटा न घटादि से करोगे, असत घट का अर्थ न घटादि कर दोगे, फिर व्यवहार बाद में जो घटादि न भवती अत्र घटो नास्ती कैसे करोगे? इसलिए असत घट को आप सदरूप मानते हैं, अतएव असत घटो नास्ती कहते हो आप। यदि असत घटो अस्थि व्यवहार ना हो, असत घटो नास्ती व्यवहार भी आप नहीं कर पाएंगे। इसे असत घटो अस्थि व्यवहार आपको स्वीकार पहले करना पड़ेगा असत घटो नास्ती कहने के लिए। ये जो व्यवहार आपने स्वीकार कर लिया असत घटो अस्थि, यही मैं कहता हूं असत घट की स्वरूप सत्य है, प्राप्त हो सत्याम निषेध स्यात, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसे पीछे उसका एक नियम वो बता रहे हैं, हाँ हिंदी वाले दे रहे हैं, जो वस्तु एक रूप से या एक देश में रहती है उसी का अन्य रूप से या अन्य देश में निषेध होता है। एक वस्तु को किसी एक रूप में और अथवा एक देश में स्वीकार करोगे तभी उस रूप से और उस देश से भिन्न देश में आप उसका निषेध कर सकते हो, उसके अन्य रूप से निषेध करोगे आप। इसे असत रूप घट यहाँ है कहोगे, उसे भिन्न रूप से आप अन्य निषेध करना पड़ेगा, घटाधर नास्ति कहना पड़ेगा देशांतर में, या तो एक देश में उसको उसी को देशांतर निषेध होगा, असत घट यहां है तो वहां असत घट नहीं है, देश को लेकर के हुआ। एक रूप से यहां पर है दूसरे रूप से वहां नहीं है, प्रकार को लेकर के कहो, देश रूपये अवच्छेद देख लो या काल रूपये अवच्छेद, या काल भी होना चाहिए बल्कि काल रूपये अवच्छेद देख लो या वस्तु को अवच्छेद कर लो, यहां घट है तो यहां पट नहीं है, पट वहां है, पट वहां है उसके अन्य रूप में उसका निषेध जाना होगा, कि यहां घट है पट नहीं है, प्रकार को लेकर के होगा, काल को लेकर के होगा, देश को लेकर के भी होगा, एक ही अधिकरण में प्रकार भेद से भी हो सकती, काल भेद से भी हो सकता, देश भेद से भी हो सकता है, एक ही अधिकरण में घटत्व ने घट है पटत्व ने घट नहीं है, एक ही अधिकरण में। सुबह घट नहीं था अब शाम को घट आ गया, ये सुबह घट है अब शाम को घट नहीं है, काल भेद को लेकर। पटत्व ने घट की भ्रांति हो सकती है, घटत्व ने पट का भ्रांति हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? प्राप्त नहीं, इसे क्या हो गया, ज्ञान तो हो रहा है, भले ब्रह्म ज्ञान है तो वैदिक धर्मावचन ज्ञान हो रहा है, सारे ब्रह्म है क्या? तद अभाव तद प्रकार का अनुभव अयथार्थ अनुभव है कि नहीं? जिसमें रजतत्व नहीं है उसमें रजतत्व देख रही है तो है वैदिकरण, और है क्या?
शुक्तित्वावचिन रजत आप देख रहे हैं, या रजतत्वावचिन शुक्ति में रजत को देख रहे हैं, उल्टा है ना। शुक्तित्वावचिन शुक्ति में आप जो रजतत्व भाव वाला शुक्ति में रजतत्व देख रहे हैं, ये वेद गण धर्मावचन। पटत्व भाव वाला घट में पटत्व को देखना, सारा ब्रह्म स्थल यही है, इसे अनुभव नहीं है, इसने ब्रह्म ब्रह्म रूपी एक अनुभव है। तद विषयत्व ने हमको ग्रहण कर रहे हैं अन्यत्र, आप उसका बात करो, बात बात बाधते रहो बाद में, यानी व्यवहार तो होगा, व्यवहार को तो आप निषेध नहीं कर सकते, ब्रह्म व्यवहार तो होता ही है, इसलिए व्यवहार तो होगा ही। अतः सदपि तो सत्ता अनंतर भाव्य कारण, तब न्याय कहेगा सत्ता कारण कोटि में विशेषण नहीं उपलक्षण, विशेषण में दोष आ रहा था। अब हमें दूसरी तीसरी सत्ता जो मानने की जरूरत नहीं, सत्स्वरूप आदि कार्य की जरूरत नहीं, जो सत्ता से उपलक्षित घट है वह सत्ता अपने आप उस उपलक्षक जो सत्ता है उपलक्षित घट से भिन्न है ही है, वही अनुगत प्रतीति भी करा देगा, वह एक है सभी घट में। जैसे एक घट को मैं सत्ता से उपलक्षित किया, दूसरे घट को भी उसी सत्ता से उपलक्षित कर दूंगा, उपलक्षित एक हो सकता है ना। भाई कौवा आज इस घर में बैठा है, ये इसका उपलक्षक हो गया, उसे बैठ जाए तो उसका उपलक्षक हो जाएगा, कौन रोकेगा उसको, एक ही उपलक्षक अनेकों का उपलक्षक बन सकता है। से एक ही सत्ता उपलक्षित करके अनेकों घटों में अनुगत प्रतीत करा देगा, तो अनेकम अनेकानुगतम एकम, घट गया कि नहीं घट गया, नहीं जरूरत नहीं, हमें बोध करा दिया हो गया, इतने से वस्तु सत्य हो गया। ये अपनी तरह समझा रहे हैं ना, अभी इसका कहना है सदपि सत्ताम अनंतर्भाव्य कारण, सत्ता को अंतर्भाव न करते हुए सत को मैं कारण, सदपि कारणम सत्रूपी जो कारण है वो सत्ता को अंतर्भाव न करते हुए कारण मान लूंगा तो सब दोष दूर हो जाएंगे मेरे, कहते ऐसा नहीं हो सकता। तदानीम असदपि तथास्तु, फिर असत कारण को भी मैं उसी रूप मान लूंगा, मुझे क्या आपत्ति है। ये सत्कारण सत्ता का अंतर्भाव के बिना कारण हो सकता है, असत कारण भी सत्ता का अंतर्भाव के बिना कारण होने में क्या आपत्ति। सत्कारण बात कहाँ सिद्ध हुआ, असत कारण भी वैसी समानता आ गई, प्रतिबंधी जवाब दे दिया यहां पर आकर। फिर सत्व सत्वय कारण कोटि अप्रवेश अविशेषात, कि सत्व हो चाहे असत्व वैसे कारण कोटि में अप्रवेश समान है, तुम्हारे मत भी हमारे मत में भी, तो फर्क क्या पड़ा। इसीलिए असत कारणवाद मानना ही ज्यादा लागव है, कार्य तो तुम्हारे में तो वैसे भी असत है ही, तो असत कारण से असत कार्य मान लो, झंझट खत्म, क्यों लफड़े में पड़ रहे हो सत कारण से असत कारण की कार्य की उत्पत्ति। क्योंकि गीता में भी कह दिया ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, साफ कह दिया है। इसलिए इस कारण तुम्हारी जो है सत कारणवाद को त्याग दो और हम जो करें असत कारणवाद इसको स्वीकार करो कहता है। तब नैया कहेगा अथ सत्ता न कारण कोटि निविष्टा किंतु कारणत्वम सत्वम, सत्ता कारण कोटि में निविष्ट नहीं है ये मेरे कहने के अभिप्राय तो समझा ही नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय है सत्ता कारण कोटि निविष्ट नहीं है किंतु कारणत्व ही सत्व है, सत्वमेव कारणत्व, सदरूपमेव कारणत्व। फिर सर्वसत्व में अलग सत्य जाति को भी त्याग दिया, नियत पूर्व सत्ताम ही कारणता मन्ये इति मन्ये से, नियत पूर्व सत्ता ही कारण है ऐसा मैं मानता हूं, इस प्रकार से मानते हो तरे मत पक्ष में सही कारणतास्तु, मेरे पक्ष में भी वही कारण मानूंगा, असद रूपा जो घटादि पटादि वस्तु है यही कारण रूपता प्राप्त कर गए। जैसे सदरूपा कारण को ही आपने कारणता मान लिया, हम असद रूपा कारण को ही कारणता मान लेंगे, सदरूप सामने भी कह दे स्वरूप सत्व है वो भी, मत पक्ष भी सैव कारणतास्तु, तरी कारण से सत्ताम अभ्युगतवान असीति घटकुट्याम प्रभातमिति चेत, तभी नैया कहेगा हा फिर तो तुम तो कारण सत मान लिया, असत कारणवादी तू तो सत्कारणवादी बन गया। इतना विचार करते करते प्रभात घटकुटी न्याय हो गया तुम्हारा, रात भर घुमा फिरा कर चुंगी बचाने के लिए और अंत वहीं आगे फंस गए, जिस सत्कारणवाद मेरा था उसको खंडन करने के लिए चला
अरंधे तुम भी कारण को सद्रूप मान करके तुम भी सत्कारणवादी हो गया। ऐसे जब बौद्ध प्रणय कहता है तो सिद्धार्थ पूर्व बौद्ध कहता है भाव अनवबोधात, मेरे कहने के भाव तो समझ नहीं पाया। कारण असत कारण सद्रूप कहने का अभिप्राय तो नहीं समझा। भाव अनवबोधात, क्या तुम्हारा भाव है, थोड़ा भाव समझाओ भाई, तुम्हारा क्या भाव हो गया है, कहने का अभिप्राय क्या है। कहते सुनो,